चेयरमैन का पद अपने आप में एक महत्वपूर्ण पद होता है। इसका कारण है कि चेयरमैन के ऊपर सारे नगर के विकास की जिम्मेदारी होती है। किसी भी नगर का चेयरमैन बनना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि होती है। हम अगर टूंडला पालिका परिषद की बात करें तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर राम बहादुर चक यहाँ चेयरमैन निर्वाचित हुए हैं। जब से वो चेयरमैन निर्वाचित हुए हैं तब से उन्होंने नगर के विकास में पंख लगाने का काम किया है। साथ ही साथ उन्होंने जनहित में जो कार्य किए हैं उससे वे धीरे धीरे करके सारे नगर के प्रिय बनते जा रहे हैं। पालिका परिषद टूंडला के अध्यक्ष राम बहादुर चक हमारे साथ हैं। हम उनसे उनकी भविष्य की योजनाओं के बारे में बातचीत करेंगे। चक साहब, हेक्स न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, देखो चुनाव छोटा हो या बड़ा हो, हर चुनाव का एक उद्देश्य होता है, क्यों लड़ा जाता है, क्यों व्यक्ति पद पाना चाहता है। तो आपने पालिका परिषद टूंडला के अध्यक्ष का जो चुनाव लड़ा उसका उद्देश्य क्या रहा? मैं पब्लिक की मतलब सेवा करना चाहता था, समाज की सेवा करना चाहता था। मैं ये चाहता था कि मैं ऐसे कार्य करूं जिससे टूंडला का विकास हो और सर्वांगीण विकास हो तथा लोग हमारे किए हुए कार्यों को बाद में भी याद रखें और यहाँ का नगर का विकास पूरा हो, ये मेरी भावना है। अच्छा, विशेष रूप से एक जानकारी मैं आपसे करना चाहता हूँ कि आपने भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ा, चुनाव पीरियड में आपको भारतीय जनता पार्टी का कैसा और किस प्रकार का सहयोग मिला जिससे आप जो है विजयी हुए? भारतीय जनता पार्टी का सहयोग तो मुझे पहले विधानसभा के चुनाव से ही मिल रहा है और पार्टी मेरे साथ रही है हमेशा। पार्टी ने 3 बार मुझे विधानसभा का चुनाव लड़वाया है और कोई न कोई मेरे अंदर विशेषता देखी पार्टी हमेशा मुझ पर दाव लगाती रही है और इस बार भी भाजपा ने एक बार फिर दाव लगाया और इस बार उनकी भरोसे पर विश्वास पर मैं खरा उतरा, जिसमें माननीय प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल साहब का विशेष योगदान रहा, उनकी पत्नी श्रीमती मधु बघेल का भी काफ़ी योगदान रहा और टूंडला के ज़्यादातर लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और सपोर्टर हैं। उन्होंने चुपचाप ज़्यादा शोर शराबा न करके चुपचाप सब लोगों की बातें सुनते हुए अपना बहुत अच्छा जनादेश दिया है। अब आप पालिका परिषद टूंडला के अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष बनने के बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या रही? अध्यक्ष बनने के बाद टूंडला नगर में एक तो गंदगी रहती थी, सफाई पर विशेष ध्यान दिया है हम लोगों ने और सबका साथ सबका विकास का नारा माननीय मोदी जी का उसे लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और वृक्षारोपण वगैरह का कार्य प्रारंभ होने वाला है तथा जो वृक्ष लगे हुए हैं पहले से उन वृक्षों के गमले बनवाकर और गर्मियों में 2-4 बार उनमें पानी भी दिलवाया करेंगे, इससे पेड़ हरे भरे रहें। और हमारा ये भी उद्देश्य है पार्टी का कि प्लांटेशन हो, पौधे लगवाए जाएं और जो पुराने पहले लगे हुए पेड़ हैं उनकी सुरक्षा की जाए। अच्छा चेयरमैन साहब, जैसा कि हम देख रहे हैं नगर में विकास कार्य प्रारंभ हो चुके हैं, तो अभी आपने, क्योंकि बहुत ज़्यादा बजट पालिका परिषद के पास नहीं है और बजट मेरे ख्याल से अभी आया भी नहीं होगा नया बजट, तो जो आप अपने संसाधनों से जो विकास कार्य करा रहे हैं वो किस प्रकार के और कैसे विकास कार्य शुरू कराए आपने? अभी जो सड़कें खुदी हुई पड़ी हैं, गलियाँ जो खुदी हुई पड़ी हैं, उन गलियों को हम सही करा रहे हैं, या तो उनकी रिपेयरिंग करा रहे हैं या नया जो खरंजा वगैरह वो बनवा रहे हैं। उसके साथ ही पानी वगैरह के लिए समर और हैंडपम्पों की व्यवस्था, हैंडपम्प लगवाए जा रहे हैं। समर ऐसा जो पानी का लेवल है वो नीचे उतर गया है, इसलिए समर ज़्यादातर हमारे नगर में ख़राब पड़े हुए हैं, उनको रीबोर करा रहे हैं, एक एक दो दो पाइप उनमें गुंजाइश बढ़ने की, तो रीबोर के द्वारा सब सही हो जाएंगे। पानी की जो अव्यवस्था चल रही है वो ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिनों में सही हो जाएगी। और उसके साथ ही जो पानी की टंकियाँ बनी हैं जल निगम द्वारा, उन टंकियों पर पानी सप्लाई के लिए दिन रात काम हो रहा है और वो काम भी ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 दिन में समाप्त हो जाएगा और फिर पानी जो पानी की टंकी बनी हुई है
उनके द्वारा सप्लाई हुआ करेगा। अरे चेयरमैन साहब, विशेष रूप से मैं बात करूं गर्मियों के दिनों की, क्योंकि अभी कुछ ही दिनों के बाद गर्मी शुरू होने वाली है। गर्मी के दिनों में पानी की एक बड़ी समस्या हो रहती है, और विशेष करके जो टूंडला का जो मार्केट वाला क्षेत्र है जहाँ आप लोग निवास करते हैं, वहाँ पानी की ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि जल स्तर दिन पर दिन नीचे होता जा रहा है, और उसमें पानी की बड़ी एक समस्या आती है। तो गर्मी के दिनों में पानी हर व्यक्ति को आसानी से सुलभ हो, ऐसी आपने क्या और किस प्रकार की योजना बना रखी है? हम अभी से प्राइवेट स्तर पर कार्य कर्मचारी हमने तैयार किए हैं, जो समर का काम रिवर वगैरह ये सब देखेंगे, और उसके साथ ही जो टंकी बनी हुई है, टंकी एक का पानी या सप्लाई होने लगा फिर पानी की समस्या बिल्कुल समाप्त हो जाएगी, और ये काम जल्दी से जल्दी पूरा होने वाला है, और उसी में हम लगे हुए हैं। और हमने और हमारी जो टीम है, ईओ वगैरह है, और हमारे सभासद हैं, सभी मिल करके उस पर विचार कर रहे हैं, और जल्दी ये काम पूरा होने वाला है। टंकी चालू होने पर अभी एक टंकी हैंडओवर है, जिसकी देख रेख चल रही है। चार टंकी और बनी हुई हैं, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 दिन में चालू हो जाएंगी, तो ये पानी से हमें निजात मिल जाएगी, फिर पानी आराम से सप्लाई हुआ करेगा। अरे चेयरमैन साहब, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत मिशन को लेकर के आगे चल रहे हैं। निश्चित रूप से नगर पालिका परिषद की भी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है स्वच्छता को लेकर के, तो स्वच्छता मिशन को लेकर के आपके क्षेत्र में कैसा और किस प्रकार का कार्य चल रहा है? स्वच्छता मिशन के लिए हम लोगों ने, जब से हम आए हैं तब से हमने मूत्रालय और शौचालय बनवाने का कार्य किया है। पुराने जिन लोगों के अधूरे ये काम थे शौचालय वाले, वो हमने पूरा कराने के लिए सभी लोग जो लाभार्थी हैं उन सबको पैसा दिलवाया है, और जिनका रह गया होगा वो भी अब दिया जाएगा, तो उसमें कोई किसी तरह की लापरवाही नहीं हो रही है। दूसरी बात यह है कि स्वच्छता मिशन के तहत ही जो मूत्रालय बनवाए गए हैं, उन मूत्रालयों में महिलाओं के लिए अलग और पुरुषों के लिए अलग बनवाए गए हैं। टूंडला शहर के लिए होती है कि टूंडला नगर में हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम समाज की भी एक बड़ी आबादी है। अब आप पालिका परिषद के अध्यक्ष हैं, नगर के प्रथम व्यक्ति हैं, तो आपके लिए एक जिम्मेदारी बन जाती है, हिंदू और मुस्लिम दोनों जो है एक दूसरे के विरोधाभास में रहते हैं, लेकिन फिर आप हिंदू और मुस्लिम में किस प्रकार का और कैसे सामंजस्य स्थापित कर पाएंगे? देखिए, ऐसा है, जितने भी लोग हमारे नगर में रहते हैं वो सभी हमारे नगर निवासी हैं, और चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई, जिसको धर्म को मानते हो, चाहे जो हो, हम किसी के साथ कोई सौतेला व्यवहार नहीं करते हैं और न करेंगे। दूसरी बात यह है कि त्यौहार चाहे तो हिंदू के हों या मुसलमान के हों और किसी वर्ग के हों, सभी त्यौहारों पर उनकी उचित व्यवस्था की जाती है, और त्यौहार और धार्मिक कार्यक्रम होते हैं वो उनके धर्म के आधार पर सबको महत्व दिया जाता है, किसी तरह का किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं रहता है, ये हमने प्रयास किया और आगे भी करेंगे। चेयरमैन साहब, अगर हम प्राथमिक शिक्षा की बात करें तो प्राथमिक शिक्षा की स्थिति काफ़ी दयनीय है, हालांकि सरकार तमाम तरह का प्रोत्साहन दे रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जो सरकारी स्कूल हैं उसमें बच्चों की संख्या दिन पर दिन कम होती जा रही है, क्योंकि आप नगर पालिका परिषद के चेयरमैन हैं, तो आपकी भी इस शिक्षा को लेकर के थोड़ी जिम्मेदारी बनती है, तो आपने भविष्य में कोई ऐसी योजना तैयार की है जिससे जो सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या दिन पर दिन घट रही है वो बढ़े और सुचारू रूप से प्राथमिक शिक्षा चालू हो जाए? प्राथमिक शिक्षा में काफ़ी फेरबदल माननी योगी जी जब से आए हैं तब से उन्होंने काफ़ी फेरबदल करने का प्रयास किया है, और प्राथमिक स्कूलों में जो बच्चों को ड्रेस मिलती थी सरकार के द्वारा, उस ड्रेस के कलर में और उसके मतलब बनावट में काफ़ी अंतर आया है। इस समय बच्चे जो स्कूलों में ड्रेस पहन के जाते हैं तो ऐसा लगता है कि बच्चे अच्छे घर के हैं, और उससे पहले जो बच्चे ड्रेस पहन के जाते थे उनका यही पता नहीं चलता था कौन बच्चा किस जाति का है, किस कैटेगरी का है, तो वो बच्चों को भी अच्छा नहीं लगता था पहनने में, और ऐसा लगता था जैसे कि ये होमगार्ड के बच्चे मतलब इसमें सब भर्ती स्कूलों में करा दिए हैं। हालांकि बहुत योग्य अध्यापक इन स्कूलों में तैनात हैं, लेकिन योग्यता के आधार पर भी वो काम करें, लेकिन
कुछ अध्यापक ऐसे हैं कि उस तरह से उस स्तर से काम नहीं कर पाते हैं, यदि अध्यापक चाहें तो शिक्षा का स्तर ऊंचा हो जाए बशर्ते वो उनको पढ़ाएं। अच्छा चेयरमैन साहब, अंतिम सवाल एक मैं आपसे जानना चाहता हूं कि भविष्य में किस प्रकार की और क्या योजना आपने बनाई है या सोची है जिससे इस नगर का पूरी तरह से कायाकल्प हो सके। एक स्कीम है कि टूंडा नगर में विकास तो कराएंगे ही और पूरी तरह कराएंगे। हमारी पार्टी तो विकास के नाम पर ही चुनाव जीत रही है, जहां भी जीत रही है आपने देखा होगा, दूसरे प्रांतों में भी जहां हम जीरो पर रहते थे वहां बहुत बड़ी जीत मिली है। उसका कारण यही है कि भारतीय जनता पार्टी विकास कराने में विश्वास करती है और आगे भी करेगी। टूंडा का भी विकास इसी तरह से होगा और इस तरह का विकास होगा कि लोग भविष्य में ये जानने लगे हैं कि वास्तव में भाजपा ही विकास करा सकती है, कोई दूसरी पार्टी नहीं। सर चेयरमैन साहब, हमारे चैनल के माध्यम से अगर कोई आप अपने नगरीय क्षेत्र की जनता को कोई संदेश देना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। मैं ये कहना चाहता हूँ इस मामले में कि हम जिस तरह से कार्य कर रहे हैं नगर के लिए अपना पूरा समय दे रहे हैं, उसी तरह से नगरवासियों को भी हमारा सहयोग करना चाहिए और पूरा सहयोग करना चाहिए, क्योंकि कोई भी अच्छा कार्य हो फिर भी आदमी उसमें मतलब विरोध पैदा करते हैं, सहयोग नहीं करते हैं। मैं तो उनसे ये निवेदन करूंगा कि आप हमारा सहयोग करें, आपका विकास निश्चित होगा, नगर का विकास निश्चित होगा। ये थे पालिका परिषद टुंगला के अध्यक्ष रामबहादुर चट, जिनसे हमने उनकी भविष्य की योजनाओं के बारे में विस्तार से बातचीत की। उन्होंने बताया कि विकास को लेकर के वो किसी तरह का कोई समझौता नहीं करेंगे, जिस जगह पर विकास की ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पर विकास पहले कराया जाएगा और विकास को लेकर के वो किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं रखेंगे। विशेष रूप से गर्मी के दिनों में पानी की जो बात थी, तो उन्होंने बताया कि हमने भविष्य की ऐसी योजना तैयार कर रखी है जिससे गर्मी में किसी भी व्यक्ति को पानी के लिए कोई परेशानी नहीं होगी। उन्होंने शिक्षा को लेकर भी बताया कि शिक्षा को लेकर के जो प्राथमिक शिक्षा की स्थिति है उसको उनके जहन में है और उसमें सुधार के लिए वो उन्होंने एक योजना भी बना रखी है। तो निश्चित रूप से जो भविष्य में शिक्षा में सुधार होगा वो निश्चित रूप से बच्चों के लिए काफ़ी लाभप्रद होगा। साथ ही साथ उन्होंने यह भी बताया कि जो वो विकास कार्य करा रहे हैं उसमें अगर नगर की जनता उनका सहयोग करेगी तो निश्चित रूप से विकास को और चार चांद लगेंगे। कैमरामैन रवि शर्मा के साथ राम राहुल, हेक्स न्यूज़, फिरोजा।